तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बड़ी धमकी। कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचेगी विपक्षी राज्यों की पुलिस। संजय सिंह हुए बीजेपी पर हमलावर। कहा कि बीजेपी को जवाब देने का समय आ गया है, देश के सभी भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जमा कर लिया है। संजय सिंह ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा कि हम आंदोलन की कोख से निकले हैं, हम डरने वाले नहीं है, जेल का जवाब जनता वोट से देगी। संजय ने केजरीवाल के इस्तीफे से किया इनकार। कहा कि दिल्ली वालों को मिल रही है सुविधाएं बंद करना चाहती है मोदी सरकार। संजय सिंह ने जश्न मनाते कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के लिए जश्न का नहीं संघर्ष का समय है, जेल के ताले टूटेंगे सब छूटेंगे। संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के घर पहुंचे, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। संजय सिंह रात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, पार्टी के सीनियर नेताओं ने संजय सिंह को गले लगाकर स्वागत किया। संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, हमारी पार्टी को बर्बाद करने के लिए आमादा है। संजय सिंह का आरोप, शराब घोटाले में पूरी तरह डूबी है बीजेपी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। संजय सिंह को कोर्ट से 5 शर्तों में मिली है जमानत। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने संजय सिंह के सामने रखी केस पर टिप्पणी नहीं करने की शर्त, बिना इजाजत दिल्ली NCR और देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं, जब तक केजरीवाल नहीं छूटेंगे जश्न नहीं मनाएंगे, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। संजय सिंह की जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उससे लग रहा है कि बेल पर नहीं आए बल्कि मामले में बरी हो गए हैं। संजय सिंह की रिहाई पर मां राधिका सिंह ने जताई खुशी। कहा कि 6 महीने बाद बेटा घर आया है, भगवान की जनता की आम कितने खुशी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट आज गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनाएगा फैसला। हाईकोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है याचिका। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान। सीएम कार्यालय ने चिट्ठी लिखकर मांगा है समय। पीएम मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा। चिराग पासवान के गढ़ जमुई से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे जमुई में जनसभा को संबोधित। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी NDA उम्मीदवार अरुण भारती के लिए करेंगे वोट की अपील। LJP रामविलास के नेता चिराग पासवान के बहनों हैं अरुण भारती। पीएम मोदी की रैली में चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे मौजूद। जमुई में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की जमुई रैली का स्वागत किया। कहा कि बिहार की जनता सभी 40 सीट NDA को देगी। जमुई के बाद पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में होगी रैली। प्रधानमंत्री मोदी 3:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी के कूचबिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित परमानिक के लिए मांगेंगे वोट। निशित परमानिक का TMC के जगदीश चंद्र बसनिया से है सीधा मुकाबला। केंद्रीय मंत्री निशित परमानिक ने कहा है कि पीएम मोदी के आने से कूचबिहार में जश्न का माहौल है, लोगों को उनके आने का इंतजार था। पीएम मोदी की रैली पर TMC नेता शशि पांजा ने कसा तंज। कहा कि बीजेपी सांसद ने बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए पीएम खुद चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। शशि पांजा ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल तभी आते हैं जब चुनाव होता है। बंगाल को 100 दिन के काम के पैसे नहीं मिले हैं, हम उसका जवाब चाहते हैं। पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम ममता बनर्जी कुछ ही दूरी पर माथाभांगा में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली। TMC उम्मीदवार जगदीश चंद्र बसनिया के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम ममता बनर्जी की दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में दोपहर 1:30 बजे होगी। TMC उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय के लिए करेंगी अपील वोट की। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने चाय के बागान में श्रमिकों से मुलाकात की, स्थानीय दुकान पर चाय भी बनाई। पीएम मोदी की जमुई रैली से पहले चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। LJP रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय 22 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा सहित सभी बागी पदाधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट बेचने का आरोप लगाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से संजय निरुपम पर गिरी गाज। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित किया। संजय निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया गया। नाना पटोले बोले, बयानबाजी पर होगा एक्शन। संजय निरुपम आज कांग्रेस छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान। कहा कि मेरे लिए ऊर्जा नष्ट ना करें, कांग्रेस से बची ऊर्जा पार्टी को बचाने में लगाएं। वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर आज सुबह 11 बजे अकोला से करेंगे नामांकन दाखिल। बीजेपी के अनूप धोत्रे और कांग्रेस के अभय पाटिल से है मुकाबला। सीट शेयरिंग के विवाद के बीच उद्धव ठाकरे का बयान, मुंबई की 4 सीटों पर लड़ेगी UBT, 2 सीट गठबंधन के लिए छोड़ी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मीडिया कोऑर्डिनेटर किया नियुक्त। UP गुजरात समेत 14 राज्यों के लिए नामों का ऐलान किया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी आज करेंगी केरल के वायनाड का दौरा। बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नामांकन में 11 बजे शामिल होंगी। स्मृति ईरानी आज सुबह वायनाड में करेंगी रोड शो। के सुरेंद्रन के नामांकन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। घर बनवाने के बाद अमेठी की वोटर बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोकसभा चुनाव में डाल सकेंगी वोट। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सीएम योगी नामांकन के वक्त रहेंगे मौजूद। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे मथुरा। हेमा मालिनी के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने मथुरा में की यमुना नदी में पूजा। बोली कि इस बार यमुना को साफ करके देंगे। पप्पू यादव ने बिहार के पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने के लिए ऐलान किया। आज सुबह 11 बजे कर सकते हैं नॉमिनेशन फाइल।
नामांकन के ऐलान से पहले पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने रखी नई डील, कहा कि पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, आरजेडी के सिंबल में भी चुनाव लड़ने को तैयार। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भरा, पप्पू यादव से साथ देने की अपील की। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली, पूर्णिया से पार्टी के प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगे। पप्पू यादव पर इशारों में तेजस्वी का निशाना, पूर्णिया में जो आरजेडी का विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, परिवारवाद की दुहाई देने वाले पीएम ने चुनावी सभा की शुरुआत जयंत चौधरी के साथ की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से दो दिवसीय उत्तराखंड दौरा, पिथौरागढ़ और विकास नगर में आज जनसभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा कल हरिद्वार में करेंगे रोड शो, साधु संतों से करेंगे मुलाकात, लोगों से पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर घोष को जिताने की अपील की, भारी संख्या में रैली में लोग शामिल हुए। बीजेपी संकल्प समिति आज 3 बजे करेगी बैठक, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी चर्चा। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने का दिया इशारा, कहा कि ये लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, गांधी परिवार में होकर राजनीति से दूर रहना मुश्किल। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, कहा कि मैंने अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में बहुत काम किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बीजेपी वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराया। पश्चिम बंगाल बना अपराधियों का सबसे बड़ा आसरा, अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की तीसरी लिस्ट भी जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बीजेडी ने 27 विधानसभा और 5 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की। हरियाणा के यमुनानगर में सीएम नायब सैनी ने रैली की, बीजेपी उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान शुरू, जनता से एक वोट के साथ एक नोट की मांग। अमरोहा में गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली ने किया नामांकन, कहा कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से नॉमिनेशन फाइल किया, कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंदर सिंह, कहा कि देश के विकास के लिए करूंगा काम। गुजरात में कांग्रेस और आप की नई नेता बीजेपी में हुए शामिल, सांसद पूनम बेन और विधायक रिवावा जडेजा ने दिलाई सदस्यता। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने भी जनसभा को संबोधित किया, जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में नारे भी लगाए। एमपी के खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, खजुराहो लोकसभा उम्मीदवार वीडी शर्मा को जिताने की अपील की, वीडी शर्मा ने भी लोगों से वोट मांगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। पंजाब के बठिंडा में डॉग का आतंक, नेशनल कॉलोनी में बच्चे पर हमला कर घायल किया, बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रयागराज में एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू किया। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 2 जवान अंदर फंसे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, आग से किसी को नुकसान नहीं। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में आग लगते इलाके में अफरा तफरी मची, आग से किसी के नुकसान की खबर नहीं। आग की वजह से फैक्ट्री में रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। कर्नाटक के विजयपुरा में बोरवेल में गिरा 1.5 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही है। अयोध्या में पुलिस और मोबाइल टावर की बैटरी चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोरों के पास से मोबाइल टावर की कई बैटरीज बरामद की। एससीओ के सुरक्षा सम्मेलन में बोले एनएसए अजीत डोवाल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जल्द निपटना होगा, मॉस्को आतंकी हमले की निंदा भी की। अजीत डोवाल ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाना छोड़े देश, तभी कर पाएंगे इसका मुकाबला। गर्मी से निपटने की तैयारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक, राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रचंड गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 6 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर जारी की चेतावनी। एक्टर आशुतोष राणा पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार, आशुतोष राणा ने की पूजा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के उदयपुर में घर में घुसा तेंदुआ, घरों से बाहर निकलने लोग, इलाके में मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ट्रैंकुलाइजर कर तेंदुए को पकड़ा, जंगल में ले जाकर छोड़ा। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में आज होगी भिड़ंत, अहमदाबाद में दोनों टीमों के बीच होगी टक्कर, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक, आईपीएल में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की, दिल्ली को 106 रन से शिकस्त दी। केकेआर ने पहले बैटिंग कर आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, दिल्ली कैपिटल्स को दिया 273 रन का टारगेट, दिल्ली की पूरी टीम 166 पर आउट हुई। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एनरिके नेयोत्या ने 3 विकेट झटके, ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत ने 25 बॉल पर 55 रन बनाए, क्रिस्टन स्टब्स ने भी अर्धशतक लगाया। केकेआर के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी दिखाया कमाल, वरुण वक्रवर्ती को वैभव अरोड़ा ने 3-3 विकेट झटके, मिचेल स्टार्क को भी सुनील नारायण और रशल को 1-1 विकेट मिला। कोलकाता की टीम राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंची, दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9वें स्थान पर।